हेलो दोस्तों, वेलकम टू गियर फ्लिक। हम आज एक सुजुकी डीलरशिप पे आए हैं, कनक सुजुकी पे, क्योंकि सुजुकी एक्सेस में एक नया वेरिएंट आया है। अब BS6 में काफ़ी इंप्रूवमेंट्स हुए थे, काफ़ी चेंजेस हुए थे एक्सेस में, लेकिन अब एक और अपग्रेड आ गया है और वो है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का, यानी उसका जो इंस्ट्रूमेंट पैनल है ये टोटली न्यू है। तो क्या फीचर्स हैं इसमें और क्या खास बातें हैं उसकी, चलिए मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। तो एक्सेस के अगर लुक्स की बात करें तो इसमें कोई चेंज नहीं है। BS6 में जो अपग्रेड्स आए थे वो अभी भी इसमें हैं, तो कॉस्मेटिकली कोई चेंज नहीं है। अब एक्सेस में चार वेरिएंट्स आते हैं, स्टैंडर्ड विद एलॉयज एंड डिस्क, स्पेशल एडिशन एंड स्पेशल एडिशन विद ब्लूटूथ। ये नया वेरियंट है और ब्लूटूथ के साथ जो गाड़ी आती है या जो स्कूटर आती है, इसमें तीन न्यू कलर्स ऐड हुए हैं। इनफैक्ट दो न्यू कलर्स हैं, एक पुराना ही कलर है, और ये है मैट ब्लू और मेटालिक ब्राउन। इसके अलावा जो ब्लूटूथ वाली एडिशन है ये मैट ब्लैक कलर में भी आती है। तो तीन कलर्स में आपको ये जो ब्लूटूथ एडिशन है वो अवेलेबल है। तो जैसे मैंने कहा, चेंजेस इसमें और कोई नहीं हुए हैं एक्सेप्ट फॉर द इंस्ट्रूमेंट पैनल। तो चलिए देखते हैं इंस्ट्रूमेंट पैनल की क्या खास बातें हैं। तो ये है इसका इंस्ट्रूमेंट पैनल जो टोटली न्यू है। पहले इसमें एनालॉग वाला आता था जिसमें एक छोटा सा डिजिटल इंसेट था, लेकिन ये फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल है। लुक्स में ये सिमिलर है जैसे जिक्सर में आपने देखा है, लेकिन इन्फॉर्मेशन इसमें काफ़ी अलग है। अब बड़ा सा स्पीडोमीटर है सेंटर में, और लेफ्ट साइड में आप देखेंगे फ्यूल गेज है जो काफ़ी क्लियर है रीड करने के लिए। नीचे ओडोमीटर है और यही ट्रिप मीटर भी बन जाता है जब आप सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ से आप इसे सेट कर सकते हैं। दो ट्रिप मीटर्स आपको इसमें मिलते हैं। लेफ्ट साइड में ऊपर आपको एक डिजिटल क्लॉक मिल जाती है। यहाँ पे ब्लूटूथ का इंडिकेशन है क्योंकि इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आती है, और आपका जो फ़ोन का बैटरी इंडिकेटर है वो भी यहाँ पे दिखाई देता है। ये नेटवर्क के लिए है और ये बैटरी इंडिकेटर है। ये टेम्परेचर गेज है। यहाँ पे नीचे आपको बैटरी की वोल्टेज भी पता लगती है। सो काफ़ी क्लियर है पढ़ने के लिए। डिजिट जो हैं इसके साइज़ में बड़े हैं। वाइल्ड राइडिंग यू कैन ईजिली रीड दिस। उसके अलावा आपको टेलटेल लैंप्स मिलते हैं, इंडिकेटर के लैंप्स यहाँ मिलते हैं। राइट साइड में यहाँ पे इंजन चेक का लाइट है, और ये जो है हाई बीम की लाइट है। ये इंडिकेटर के टेलटेल लैंप्स हैं। यहाँ पे इको की लाइट है, जब आप इको मोड पे चलाते हैं तो यहाँ पे इंडिकेशन आता है, और अगर कोई एरर आता है तो यहाँ पे ये इंडिकेट होता है। अब एक ऐप है जो सुजुकी राइड कनेक्ट ऐप है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और जब उसको आप डाउनलोड कर दें तो उसे आपको पेयर करना पड़ता है इस इंस्ट्रूमेंट के साथ। अब मैंने पेयरिंग शुरू कर दी है और ये अब कनेक्टेड दिखा रहा है, ये कनेक्ट हो गया है। वेलकम राइडर का ऐप को एक मैसेज आएगा और ये ऐप कनेक्ट हो गया है। यहाँ पे मैंने अपनी प्रोफाइल क्रिएट की है जो आप देख सकते हैं, और यहाँ पे आप इंटरेस्टिंग एक चीज़ देख सकते हैं, फ्यूल इंडिकेटर आपको काफ़ी बड़े में दिखाई देता है ऐप पे ही, यानी कि आप ऐप से ही पता कर सकते हैं कि आपके स्कूटर में फ्यूल कितना है। उसके नीचे आपको ओडोमीटर की रीडिंग मिल जाती है, ट्रिप की सेटिंग्स आपको दिखाई देती है, दोनों ट्रिप मीटर्स की रीडिंग आपको दिखाई देती है, और राइड काउंट यानी कितने राइड किए हैं वो भी आपको इसमें दिखाई देता है। यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं आपको किस में या कौन सी व्हीकल में आपको ये ब्लूटूथ पेयर करना है, एक्सेस में या फिर बर्गमैन में। इसके अलावा यहाँ से आपको नोटिफिकेशंस आप देख सकते हैं, आप सिलेक्ट कर सकते हैं इसे ऑन या ऑफ़ करना है। ऑटो रिप्लाई SMS भी है कि अगर आप राइड कर रहे हैं एंड यू कैन नॉट पिक अप द कॉल, तो एक ऑटो रिप्लाई SMS भी चला जाता है आपके कॉलर को। ट्रिप्स को सेव कर सकते हैं, जो भी आपने ट्रिप्स की हैं उसको आप सेव कर सकते हैं, कैन स्टडी देम लेटर। और यहाँ पर स्पीड वार्निंग का भी एक इंडिकेटर आता है कि अगर आप एक 50 किलोमीटर से ज़्यादा जाते हैं तो एक स्पीड वार्निंग आपको पैनल पे डिस्प्ले होती है। उसके अलावा इसमें नेविगेशन है, आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको नेविगेट कहाँ करना है। तो अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ एक डेस्टिनेशन, तो ये दिखा रहा है मुझे कि डिस्टेंस कितना है, और मैंने अगर ये यस आई वुड लाइक टू सेव द ट्रिप। अब यहाँ पे नेविगेशन शुरू हो गया है, और यहाँ पे आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन का इंडिकेशन आता है, और बाकी डिटेल्स भी आपको ऐप के अलावा पैनल पे भी दिखाई देती है। टोटल डिस्टेंस दिखाई देता है, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल आपको यहाँ पे दिखाई देता है, और डिस्टेंस कितना है वो दिखाई देता है। और यहाँ ऐप पे आप देख सकते हैं ETA, और डिस्टेंस कितना है वो दिखाता है। एंड ऑफकोर्स जो यहाँ पर आपको टर्न बटन नेविगेशन दिख रहा है ऐप में, वही आपको पैनल पे भी दिखाई देता है। सो दिस इज़ अ क्वाइट अ यूज़फुल फीचर। एक और इंटरेस्टिंग बात, आप पैनल पे देखेंगे आपको यहाँ पे कंपास भी एक नज़र आता है विच ऑलवेज पॉइंट्स टू द नॉर्थ।
तो आपको डायरेक्शन सेंस इसमें भी ईजिली पता लग जाता है। अगर मैं एग्जिट करता हूँ नेविगेशन से, इसमें एक और चीज़ इंटरेस्टिंग ये है कि लास्ट पार्क लोकेशन क्या है वो आपको दिखाई देता है। प्रोफाइल में जाके आप सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, योर नेम, योर फोटोग्राफ, एवरीथिंग यू कैन चेंज फ्रॉम हियर। उसके अलावा ट्रिप्स की जानकारी यहाँ पे मिल जाती है, आपने कितनी ट्रिप्स की है, उसमें आप फेवरेट सेट्स भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ क्वाइट अ डिटेल्ड ऐप और आपके डेली रनिंग के लिए, डेली फंक्शनिंग के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी सपोर्टिव ऐप है ये। आई रियली लाइक द लुक ऑफ दिस ऐप, स्पेशली ये जो फ्यूल इंडिकेटर इतने बड़े में है, आपको बिल्कुल जैसे ही आप, इनफैक्ट आपको स्कूटर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐप जैसे ही कनेक्ट करते हैं तो आपको पता लग जाता है कि इसमें फ्यूल कितना है। अब इसमें आपको इनकमिंग कॉल का इंडिकेशन आ जाता है, अगर कोई कॉल आ रहा है तो यहाँ पे नाम डिस्प्ले हो जाता है इस तरह से, और अगर आपने रिसीव नहीं किया कॉल को तो मिस्ड कॉल का अलर्ट आपको आ जाता है इस पर, और जब भी कोई नोटिफिकेशन आती है तो यहाँ पे एलईडी लाइट जो है ये ग्लो होती है। इसके अलावा आपको इसमें इनकमिंग कॉल्स का अलर्ट तो आता ही है, जैसे मैंने बताया इनकमिंग एसएमएस का भी अलर्ट आता है, व्हाट्सएप कॉल्स का अलर्ट आता है, व्हाट्सएप टेक्स्ट का भी आपको इसमें नोटिफिकेशन आ जाता है। इसमें ऑटो रिप्लाई एसएमएस है, जैसे मैंने पहले बताया, आप इसे अगर स्विच ऑन कर देंगे तो एक ऑटो रिप्लाई चला जाता है, आपके कॉलर को एसएमएस चला जाता है। तो सुजुकी एक्सेस में BS6 में कुछ चेंजेस हुए थे, एक फुल LED हेडलैम्प आ गई थी, वो आप देख सकते हैं इसमें है। उसके अलावा डिज़ाइन में जैसे मैंने कहा कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, ये ब्राउन कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है, और ख़ास तौर से जो अंदर ये ब्राउन है ये काफ़ी मैच हो रहा है उसके साथ। फ्लोरबोर्ड में कोई चेंज नहीं है। एक्सेस 125 की जो बैजिंग है ये सिमिलर है, तेल भी अगर आप इसका देखें तो ये सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है। ये एक नया एडिशन हुआ था BS6 में, जहाँ पे फ्यूल फिलर बाहर की तरफ आ गया था, ये एक बहुत ही यूज़फुल फीचर है। उसके अलावा इसमें कोई चेंज नहीं है। ये ग्रैब हैंडल काफ़ी बड़ा है इसका और काफ़ी यूज़फुल है ये। सीट इज़ बिग, क्वाइट कम्फर्टेबल। वैसे हमने एक डिटेल रिव्यू किया हुआ है सुजुकी एक्सेस BS6 का, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। एक बार आपको इसका सीट खोल के दिखा देता हूँ। सीट खोलने के लिए आपको यहीं से की कोड ट्विस्ट करना पड़ता है एंड यू कैन ओपन दिस। ये जो स्टोरेज एरिया है काफ़ी बड़ा है इसका, एक फुल फेस हेलमेट भी इसमें आराम से आ सकता है। सो यूटिलिटी इसकी काफ़ी अच्छी है, और जो स्पेशल एडिशन है और जो ब्लूटूथ वाला वेरिएंट है उसमें आपको एक USB चार्जिंग पोर्ट भी यहाँ पे मिल जाता है, और वहाँ उसके बगल में आपको यहाँ पे एक स्टोरेज स्पेस मिल जाता है, यहाँ पे आप फ़ोन रख सकते हैं, उसे इजीली चार्ज कर सकते हैं। एक और लुक लेते हैं इन दोनों नए कलर्स का, मैट ब्लू एंड मेटालिक ब्राउन। एक्सेस की एक शोरूम प्राइस शुरू होती है 70,500 से और 75,000 तक जाती है। ये हमेशा से एक बहुत ही यूज़फुल स्कूटर रही है, और अब बिकॉज ऑफ द इंक्लूजन ऑफ ब्लूटूथ एंड द ऐप कनेक्टिविटी, इसकी जो यूटिलिटी है और यूज़ेबिलिटी है ये काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। तो आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसा लग रहा है ये जो नया एडिशन हुआ है इसमें, और क्या आप एक्सेस खरीदना चाहेंगे कि नहीं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, गियर फ्री को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। राइड सेफ, ऑलवेज वेयर योर हेलमेट।